लोकसभा के स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को चुन लिया गया है। बता दें कि ओम बिरला एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने थे और उन्हें लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया है। ओम बिरला राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार सांसद हैं। अगर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई भी सांसद लगातार दो कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा। लेकिन ओम बिरला का नाम एनडीए ने फिर से आगे किया था। बता दें कि ओम बिरला राजस्थान के कोटा के रहने वाले हैं। उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन को 41,974 वोटों से शिकस्त देकर व लगातार तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। आरएसएस का गढ़ माने जाने वाले कोटा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर फिर से भरोसा जताया था, जो उन्होंने भी टूटने नहीं दिया। वह कोटा के इतिहास में वैद्य दाऊदयाल जोशी जी के बाद लगातार तीसरी बार विधानसभा और तीन बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। बता दें कि ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर साल 2008 में उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें भी उन्होंने जीत हासिल की थी। और तीसरी बार उन्होंने 2014 में भी लड़ा था, उसमें भी विजय प्राप्त हुए थे। तब से लेकर अब तक यानी 2019 से 2024 तक उन्होंने सिर्फ जीत ही हासिल की है। साल 2019 में जब बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाया था तो हर कोई हैरान रह गया था, और 2024 में भी उन्होंने स्पीकर पद के लिए चुना गया है।